चकना चूर हो जाएगा, मेरी माँ के दूध को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं उस माँ का बेटा हूं, तपस्वी संतान हुई विश्वामित्र जी के माध्यम से, तपस्वी संतान हुई और उस संतान के द्वारा जो संतान हुई वो परम वीर संतान हुई। और इस आर्यावर्त का नाम भारत पड़ा भरत के नाम पर। किसके नाम पर? भरत के नाम पर। इसका नाम क्या पड़ा? भारत। ये वीरों का देश है। संकेत क्या मिला? ये वीरों का देश है, इसलिए इसका नाम भारत है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि विश्वामित्र जी विचलित हुए, काम ने प्रभावित किया, लेकिन वशिष्ठ को काम ने प्रभावित नहीं किया। विश्वामित्र जी को क्रोध ने प्रभावित किया, तभी तो 100 पुत्र भस्म कर दिए। बोलो किए कि नहीं? तो क्रोध ने प्रभावित किया कि नहीं विश्वामित्र को? लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने उस क्रोध को पी लिया प्यारे। तो क्रोध को, क्या क्रोध वशिष्ठ जी को प्रभावित कर पाया? नहीं कर पाया। क्रोध को भी जीत लिया कि नहीं जीत लिया? अच्छा, मोह, मोह प्यारे याद रखना, नंदिनी के प्रति उनका आकर्षण हुआ, मोह हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? उसमें लोभ भी छिपा हुआ है। मोह के साथ साथ लोभ का भी संकेत है कि ये नंदिनी गाय मुझे मिल जाए, ये लोभ और उसके प्रति मोह। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा अगर आपके अंदर साहस हो तो ले जाओ, ले जाओ। लेकिन नंदिनी स्वयं जाना नहीं चाहती है। और विश्वामित्र जी महाराज क्या ले जा पाए नंदिनी को? प्यारे, नंदिनी वशिष्ठ जी की सेवा में ही रही, लेकिन सेवा में थी परंतु ना तो उसके प्रति लोभ है ना मोह है। लोभ और मोह। अच्छा, एक और प्रमाण दे रहा हूं मोह का। पुत्रों के प्रति मोह होता माता पिता को कि नहीं होता है? होना तो चाहिए, वैसे नियम तो यही है, अपनी संतान के प्रति मोह होता है, माता पिता के का ये नैसर्गिक प्रेम जुड़ा होता है। किससे? संतान से जुड़ा होता है, ये नियम चला आ रहा है। लेकिन विश्वामित्र जी ने मोह पर नियंत्रण किया, 100 पुत्र भस्म हो गए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी और प्रतिक्रिया नहीं की। तो इसका मतलब है कि मोह पर भी नियंत्रण किया। बोलो किया कि नहीं किया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन खर विकारों पर पूरी तरह से अगर अधिकार प्राप्त किया है, नियंत्रण किया है, तो किसने किया? वशिष्ठ जी ने किया है। इसलिए गुरु विवेक सागर जग जाना, और जिन्हीं भी सुकर बदर समाना। यहाँ विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहीं विपिन सुब आश्रम जानी। लेकिन परेशान है गाधी तन है मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि निश्चर पापी। यहू मिस देखो पद जाई, ओकर बिनती आनो दो भाई। बहु विधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार, कर्मजन सरयू जल गये भूप दरबार। अभी दरबार की कथा हुई, यहां तक तो कथा पहुंची गई, सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन मैंने इसलिए इस बात को सुना दिया, चौपाइयां तो सुनानी पड़ेंगी। क्यों नहीं सुनानी पड़ेंगी? अरे भाई, आप फाउंडेशन तैयार करते हो तो अपने साथ से मसाला सेट करते हो कि नहीं? मसाला तो वही है, सीमेंट और बालू, अलग से कहां से लाओगे मसाला? क्यों भाई? भाई ऐसा तो है नहीं कि तुम सीमेंट और बालू के प्रयोग से फाउंडेशन मकान का बना रहे हो और तुम्हारा पड़ोसी खरबपति है वो रबड़ी मलाई से तैयार करते, क्योंकि उसके पास पैसा है। क्यों भाई? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि रबड़ी मलाई का मसाला लगाना शुरू कर दे, सफल ही नहीं हो सकता है। मसाला तो वही लगाना पड़ेगा, बस गुणवत्ता में थोड़ा अंतर आ जाता है कि कितने तसले बालू डाली है, कितना सीमेंट ज्यादा है कि बालू ज्यादा है, क्या ये अलग विषय हो गया। लेकिन मसाला तो वही है, वही वही वस्तु है, उनका ही प्रयोग करना पड़ता है।
तो ध्यान से सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। बहुत बढ़िया बात है कि विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पहुंचे और वशिष्ठ जी महाराज अभी अपने आश्रम में हैं, क्योंकि यज्ञ सफल हो चुका है उनका, हो गया ना सफल। ये विचार कर रहे हैं विश्वामित्र जी के वशिष्ठ से मैं ये पूछूंगा कि किस विधि से यज्ञ सफल किया, विधि क्या है सफलता की। विश्वामित्र जी बोले, मैं तो यही समझ रहा हूं कि वशिष्ठ के यज्ञ की सफलता का मतलब है परमात्मा की कृपा। तो कृपा होती कैसे है परमात्मा की, लेकिन एक विशेषता थी उस यज्ञ में, पुत्रेष्ठ यज्ञ में, कि वशिष्ठ जी विद्वान हैं, लेकिन विद्वान होने के बाद भी वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ के आचार्य नहीं बने, जबकि स्वयं आचार्यत्व कर सकते थे, इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन आयोजक हैं यज्ञ के, तो उन्होंने आचार्य बनाया था श्रृंगी ऋषि को, बनाया कि नहीं। इससे सिद्ध होता है कि हम कितने ही बड़े विद्वान हों, लेकिन यदि हम अपना स्वयं का आयोजन कहीं कर रहे हैं तो उसमें हम दूसरों को सम्मान दें। किसको दें? दूसरों को सम्मान दें। अच्छा एक बात बताओ, जो गृहिणी भोजन बनाती है वो स्वयं पहले टेस्ट लेती होगी कि कैसा बना, खाके तो देखें, तो थाली परोस के पहले खा लेती होगी, फिर कहती होगी हाँ बहुत बढ़िया अब आओ बैठ। ऐसा तो नियम नहीं है। नमक भी कम है तो मांगने वाले आप लोग भी कह देती हो, अगर कुछ कम है तो मांग लेना जरा, है ना। मैंने तो अंदाज से ठीक ही डाला है, मिर्च भी ठीक डाली है, नमक भी ठीक डाला है, और भी जो मसाले डलते हैं, लेकिन फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप थोड़ा सा इशारा जरूर करना। आजकल तो वो सब रख देते हैं एडवांस में ही सब वहां रख देते हैं कि जो भी तुम्हें लेना हो वो अपने आप ले लो, हैं? ये सारी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन स्वाद नहीं लेते। मान्यता ये है, बनाने वाली गृहिणी ये सोचती है कि नहीं, जो हमारे घर में मेहमान आए हैं पहले उनको भोजन कराया जाएगा, पहले उनको भोजन कराया जाएगा, चाहे सामान्य ही क्यों ना हो, लेकिन मेहमान हैं, आए हुए अतिथि हैं, उनको पहले भोजन कराया जाएगा, ये मान्यता है। ऐसे ही हम कितने ही बड़े विद्वान क्यों ना हो, कितने ही बड़े संत क्यों ना हो, अगर हमारे सामने कोई दूसरे आश्रम का संत आ गया तो हम खड़े होके जरूर कहेंगे आइए आइए बैठिए, ये नहीं सोचेंगे हम तो जगत गुरु हैं हम क्यों खड़े हो, हम तो जगत गुरु हैं हम क्यों खड़े हो। तो कभी ना कभी खड़ा तो होना ही पड़ेगा, क्यों भाई होना पड़ेगा कि नहीं, और राजी राजी नहीं बेराजी खड़े हो गए, ऐसा नहीं, सम्मान देना सीखो। इस कथा से प्रेरणा मिल रही है कि सम्मान देना सीखो दूसरों को। आपके घर में कोई आया है उसे आप सम्मान देना सीखो। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को सम्मान दिया है, वामदेव जी को सम्मान दिया है, यज्ञ का आचार्य श्रृंगी ऋषि को बनाया है, लेकिन दशरथ जी महाराज स्वयं प्रमाण है इस बात के कि मेरे गुरुदेव इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन आज सम्मान दूसरे संतों को दे रहे हैं। लेकिन विश्वामित्र जी ने अपने यज्ञ में किसी को बुलाया ही नहीं, खुद ही बैठ गए आचार्य बन के और यज्ञ करना शुरू किए। इसका मतलब है कि विश्वामित्र के जीवन में अभिमान है। क्या है? अभिमान है। तो जहां अभिमान होता है भगवान कोसों दूर हो जाता है, बोलो हो जाता है, जहां अभिमान होता है भगवान कोसों दूर हो जाता है, और जहां अभिमान दूर चला जाता है भगवान नजदीक आ जाता है, पास में आ जाता है। बस यही कमी थी किसमें, विश्वामित्र में, क्या था? अभिमान था, और वशिष्ठ जी में निराभिमानता है, इसलिए भगवान स्वयं आ